भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। औद्योगिक क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता को लेकर नगर पालिका द्वारा रात दिन जोरों शोरों से प्रयास किए जा रहे हैं। शहर को स्वच्छता में नंबर एक का पायदान मिले, लेकिन वही दूसरी और स्वच्छता अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले शहर के सुलभ शौचालयों पर नगर पालिका द्वारा कहीं ताले लगा दिए गए तो कहीं पर रखरखाव ठीक तरह से न होने के चलते इनकी स्थिति दयनीय होती जा रही है। धार जिले की सभी तहसील बदनावर, पीथमपुर, धर्मपुरी, मनावर, कुक्षी, गंदवानी, डही, सरदारपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें 9425046807। ताज़ा मामला आया है पीथमपुर शहर के मुख्य आईसर चौराहे पर स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स। पिछले लगभग एक वर्ष से बंद पड़ा हुआ है। ये शहर का सबसे व्यस्ततम और भीड़ भाड़ वाला इलाके में मौजूद है, जहां रात दिन श्रमिकों की आवाजाही तो होती ही है, साथ ही पास में बस स्टैंड होने के चलते बाजार आदि भी लगे रहते हैं। सुलभ शौचालय बंद होने की स्थिति में लोगों को शौच के लिए यहां वहां जाना पड़ रहा। पास ही फुटपाथ पर ठेला लगाने वाली महिला व्यापारियों ने बताया कि कई बार लोग नशे की हालत में आते हैं और उनके सामने की पेशाब करने लगते हैं। शौचालय बंद होने के चलते उन्हें निजी एवं सार्वजनिक हर तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कामिल मेहर की रिपोर्ट। एक साल से बंद है शौचालय, तो एक साल से बंद है। भाई बोला था पाइपलाइन दो दिन का फूटी भी है, ये तो पता है कि तो फूटी भी है, ये गंदी बड़ा ही बहुत हुआ उसके चक्कर में। तो मगर एक साल से पाइप नहीं जुड़ा, ये समझ नहीं आ रही है। कहाँ जाएँ हम बाथरूम लेटरिंग जाने के, कोई भी आए, कोई भी पूछते भाई बाथरूम कहाँ है, शौचालय। हम बोले भाई बंद है, आगे और क्या बोल सकते। सर सबसे पहले तो सर इसको काफ़ी टाइम हो गया, एक साल से बंद है, और ये लोगों ने बोल रहे थे गवर्नमेंट से बात कर रही है तो वो लोग बात आ रहे थे कि पाइपलाइन है ख़राब है, तो एक साल हो गया अभी तक ठीक ठाक नहीं हुई है। और यहाँ पे जो भीड़ भाड़ भी होती है, थोड़ी गाड़ियों भी आती है कहीं बाहर से, लेडीज़ को टॉयलेट वॉयलेट करने रुकती है थोड़ी देर, तो भी बंद रहता है। तो लोगों हमसे पूछते हैं कि हम कहाँ जाए, तो हम बोल देते दूर जाना, क्योंकि आसपास तो कहीं है नहीं। इसलिए जो आने आने वाले जो लोग हैं रेगुलर मैजिक वाले बस वाले, इन सबको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स होती है उसको लेकर। काफ़ी टाइम हो गया उसको इतना ज़्यादा, तो हमको बोलना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है। नितेश राय। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।